दैट सिद्धार्थ, फिल्म के एंड में आपने एक ऑप्शन रखा है, सीक्वल का दिख रहा है, तो वो पहले से आपने डिसाइड कर रखा था कि सीक्वल बनाना है? एंड सेकेंड थिंग, खालिद अब की टाइगर ही होंगे या कुछ और प्लान है? टू अर्ली, बट डेफिनेटली द आइडिया था कि इसको एक फ्रेंचाइज में कन्वर्ट करें, प्रोवाइडेड ऑडियंस का प्यार मिले. अब आई थिंक ऑडियंस की डिमांड है मोर देन आवर डिजायर, विच इज वॉट जो होना चाहिए. तो आई थिंक बैठेंगे हम साथ फिर से लंच टेबल पे बहुत जल्द. अभी वॉर की बात आती है तो सबसे पहले टाइगर ऋतिक की फिल्म आती है, आप दोनों को क्या इस फिल्म से उम्मीद है? बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि अब जब वॉर की बात होगी तो पहला एहसास जो होगा दिल में वो होगा प्यार. आप दोनों को इस फिल्म से क्या उम्मीदें थी पहले, और अब जो ऐसा रिस्पांस मिल रहा है आपको, क्या अच्छा रिस्पांस, क्या फील कर रहे हैं आप ऐसा रिस्पांस? आपको कोई कुछ कह रहा है क्या? ठीक है, नहीं नहीं, कंटिन्यू. थैंक यू, थैंक यू रियली. तो पहला पार्ट क्या था आपके सवाल का? सवाल का पार्ट था आपको पहले उम्मीदें क्या थी फिल्म से? उम्मीदें क्या थी? मुझे कुछ उम्मीद नहीं थी इस पिक्चर से. व्हेन वी वर वर्किंग विद द ऑन दिस फिल्म, उम्मीद नहीं, सिर्फ एक एंटिसिपेशन और एक डर और एक एस्पिरेशन था कि यार नेक्स्ट शॉट में आई हैव टू बी माय बेस्ट, वी ऑल हैव टू बी आवर बेस्ट फॉर सिड, वानी, टाइगर, ऑल ऑफ अस. तो उम्मीद ऑफ बॉक्स ऑफिस आई डोंट थिंक एनीबडी हैड व्हेन वी वर मेकिंग द फिल्म. इट वॉज जस्ट अबाउट कि यार अगला शॉट वी हैव टू गिव आवर बेस्ट. और आई थिंक पिक्चर खत्म होने के बाद फिर कहीं ना कहीं थोड़ी सी उम्मीद आनी शुरू हुई, और उस उम्मीद से बढ़ के इट बिकेम अ लिटिल बिट फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन, एंड नाउ वी आर हियर. सो इट्स ऑल गुड.